हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 18, सेकंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स शॉर्ट्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस, यहाँ शॉर्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, इसके हमारे पास टोटल है जी 10 शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी एमसीक्यू टाइप है। तो हम चले शुरू करते हैं, पहले 10 क्वेश्चन देखते हैं, फिर एमसीक्यू को भी देख लेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन है जी, हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ होल्स इन पी टाइप सब्सटेंस। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। ये देखें जी, ये मेरे पास दो मैं बना देता हूँ, एक एन टाइप बना देता हूँ और एक पी टाइप बना देता हूँ। ठीक है जी, ये है जी आपके पास एन टाइप और ये भाई साहब है जी पी टाइप। इको बैटरी हम कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव इसको भी कर देते हैं। लो जी, एकदम मस्त बैटरी कनेक्ट कर दी। अब मुझे पता है कि एन टाइप में, पढ़ा था एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है और होल्स की तादाद क्या होती है, कम होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होते हैं और होल्स मिनोरिटी में होते हैं, और पी टाइप में होल्स मेजोरिटी में होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स मिनोरिटी में होते हैं, यानी कि इक्का दुक्का होते हैं। अब आपने मुझे जस्ट ये बताना है, हमें पता है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली हरकत करते हैं, होल्स तो हरकत करते ही नहीं क्योंकि बहुत कम होते हैं, और पी में मोस्टली चूंकि होल्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। अब ये पॉजिटिव लगाया तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भाई साहब फटक के इधर जाएंगे, ठीक है, तो होल्स इधर ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। लेकिन अगर पी टाइप को देखूँ तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कौन सी साइड पर जाएंगे, इधर, क्योंकि है ही बहुत कम, लेकिन होल्स हैं तो होल्स इस नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पी टाइप में होल्स किस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, और एन टाइप में कौन जा रहे हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रही है टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो दोनों एक दूसरे के अपने मेजोरिटी कैरियर के लिहाज से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरह दोनों की मोशन किसकी, वो कहता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप इधर है एंड मोशन ऑफ होल्स इन पी टाइप वो इधर है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ये था जी आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस। यानी कि हम इधर एक टाइटल सा दे लेते हैं इसको जी, नेट चार्ज का। नेट चार्ज बताना अपने पी टाइप और एन टाइप पे कितना होता है। देखें, अगर मैं बात करूँ ना तो पीट की कर लेते हैं, ये बोरॉन है, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, अब हुआ कुछ यूं के देखो, इधर सिलिकॉन के पास जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, जितने बोरॉन के पास प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि अगर लेट्स सपोज आप इसे वैसे काउंट भी कर सकते हैं, काउंट नहीं भी करना तो आप वैसे कर लेते हैं, जैसे कार्बन 6 है तो सिलिकॉन का 14 होता है, 14 14 14 14, इनको आप 4 से ज़रब दे लें, और बोरॉन के पास कितने होते हैं, बोरॉन हमारे पास शुरू में आ जाता है तो इसका 5 है, तो 5 का मतलब इसके अंदर पहले में 2 अगले में 3 टोटल 5, तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हुआ, 0। लेकिन वो कहेगा सर बोरॉन तो तीसरे से, तो इसका मतलब है ये कौन सा टाइप हुई फिर, पी टाइप। और देखा सर अब समझ नहीं आई, आप n से बताएं। n के लिए हमें बताया कि n के लिए हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन एक एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया सिलिकॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, 14 14 14 14, जितने प्रोटॉन्स उतने उतने इनके इलेक्ट्रॉन, और जितने नाइट्रोजन पे प्रोटॉन है अंदर इसके न्यूक्लियस में उतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है ओवरऑल स्ट्रक्चर के भी माइनस एन ई प्लस एन ई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब एज अ होल ये एटम्स न्यूट्रल है, तो इनसे मिलकर बनने वाली चीज भी क्या होगी, न्यूट्रल। वो बनने वाली चीज क्या है, इधर पी टाइप कहलाती है और इधर क्या कहलाती है, एन टाइप। इसका मतलब है कि बनने वाली चीज पी टाइप और एन टाइप क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस की तादाद क्या है, इक्वल, इसलिए इनके ऊपर नो नेट चार्ज। ठीक है जी, नेट का मतलब है जो बचता है।
The anode of diode is 0.2 volt positive with respect to its cathode. Is it forward biased? बताना है जी आपके पास है जी एक डायोड वा ठीक है जी एन टाइप इसको पी कर लेते हैं पी टाइप इसको एन टाइप अब वो कहता है कि इस साइड पे जिस बंदे ने इसको तार लगाई हुई है इधर से किसी बैटरी के साथ वो 0.2 वोल्ट दे रहा है इज विद रिस्पेक्ट टू कैथोड कैथोड पे 0 वोल्ट है और इस पे कितना है 0.2 इसका मतलब है ये हायर है ये लोअर है और हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था कि हायर को पॉजिटिव कहते हैं और लोअर को नेगेटिव तो पॉजिटिव पी से कनेक्ट हो जाए और नेगेटिव एन से कनेक्ट हो जाए तो डायोड क्या हो जाता है आपका फॉरवर्ड बाइस्ड इसका मतलब है ये डायोड साहब क्या है जी फॉरवर्ड बाइस्ड इसका मतलब है कि डिप्लीशन रीजन विल डिक्रीजेस ये क्या होगा कम होना शुरू होगा अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है व्हाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लीशन रीजन ये देखें जी ये आपके पास है एक डायोड इसके दो टुकड़े मैंने जोड़ दिए ये पी और एन टाइप को जब मैंने जोड़ा तो हुआ कुछ यूं कि जैसे ही इन्हें कनेक्ट किया तो इधर से जो इधर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप मार के इधर चले गए जब ये जंप मार कर गए तो आपको पता था कि पी टाइप और एन टाइप पे नेट चार्ज जीरो है इधर भी जीरो है इधर भी जीरो लेकिन जब ये कनेक्ट किया तो इधर होल थी सिटिंग प्लेसमेंट थी तो सारे इलेक्ट्रॉन्स उन जो इधर स्टार्टिंग में थे उन्होंने जंप मारे इधर चले गए जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पॉजिटिव आता है और जहां पर जाता है वहां पर नेगेटिव इसका मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स एन से जंप मारकर सा बाउंड्री क्रॉस करके पी में गए तो पी के ऊपर नेट चार्ज कितना आया होगा अपने कहा सर अगर 10 गए हैं तो 10 इधर कितने हैं 5 तो -5 इधर तो +5 इधर तो जब आप इन दोनों को जमा करोगे तो नेट आंसर क्या बनेगा 0 और ये जो इलाका बना है इस अट्रैक्शन की वजह से ये फील्ड की वजह से ये इलाका कहलाता है डिप्लीशन रीजन अब क्वेश्चन ये है कि डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैरियर क्यों नहीं होते चार्ज कैरियर तो हैं बट क्या बाउंड हुए पड़े हैं एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन हुए पड़े हैं ये इसको नहीं हिलने देता वो उसको नहीं हिलने देता दरमियान में बाउंड्री है जब ये हिलने नहीं देते तो ये फ्री ही नहीं है चार्ज कैरियर क्या है कि जो हरकत कर सकता है लेकिन ये हरकत नहीं कर सकते बाउंड फॉर्म में पड़े इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं कि भाई डिप्लीशन रीजन में तो चार्ज वो कहते हैं ना यार बंदा दें ये काम कराना है भाई बंदा पहले मसरूफ है वो जा ही नहीं सकता मतलब ये जो बंदे हैं ये ऑलरेडी कंबाइन फॉर्म में पड़े हुए हैं ये एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते फ्री नहीं हो सकते फ्री नहीं हो सकते जिसका मतलब है कि डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है ठीक है जी अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी वो कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ अ डायोड ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ठीक है जी अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये जी डायोड है अब हमें पता कि डायोड जैसे ही बनेगा तो इधर डिप्लीशन रीजन बन जाएगा ऐसे करके ये जो ये यहां से लेके यहां तक ये डिप्लीशन रीजन आपको पता है कि इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एन साइड पे और पी साइड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज अब होगा क्या अब जैसे ही वो कहता है कि फॉरवर्ड बायस करें फॉरवर्ड बायस में बैटरी का पॉजिटिव पी से और नेगेटिव एन से कनेक्ट होता है तो होगा क्या कि डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा या कम होगा होगा क्या कि इधर लेयर्स बनी होती हैं जैसे इधर पॉजिटिव है तो इधर और एक लेयर बनी होगी ठीक है अब होगा क्या बैटरी का पॉजिटिव इसने क्या करना है इधर से इलेक्ट्रॉन छीनना है छीन कर लाकर एन को वापस दे देना जब ये छीन कर लाकर एन को वापस दे देगा तो ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा क्योंकि यहीं का इलेक्ट्रॉन उधर गया था इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस से मिल गया फिर ये खत्म हो जाएगा ये लेयर खत्म हो जाएगी तो डिप्लीशन रीजन जो कि इतना चौड़ा था पहले अब वो क्या होगा सिर्फ एक लेयर का महदूद हो जाएगा लेकिन बैटरी तो नहीं हट रही बैटरी क्या कर रही बैटरी कहती मैंने तो सारे वापस करने हैं बैटरी जब ये वापस करेगी इधर से तो ये खत्म होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है जितने इधर से नेगेटिव इधर आएंगे उतने ये पॉजिटिव भी खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली आपका डिप्लीशन रीजन मुकम्मल तौर पर क्या हो चुका होगा खत्म हो जाएगा तो हम कहेंगे कि विड्थ क्या होती जा रही है नैरो 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 होता जा रहा है ठीक है अब अगला देखते हैं कि अगर हम रिवर्स बाइस कर दें तब क्या होगा जाहिर सी बात है आपके जहन में जो आंसर है वो ठीक है कि डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा कैसे यानी कि वाइडर होना शुरू हो जाएगा ये पॉजिटिव है जी
सॉरी, इधर नेगेटिव देना इधर पॉजिटिव, यानी कि एन को नेगेटिव पी को, और एन को पॉजिटिव और पी को नेगेटिव। तो अब ये रिवर्स बायस हो गया। अब देखते हैं कि डिप्लीशन रीजन पे क्या असर पड़ेगा। अब होगा क्या कि बैटरी अब इधर से इलेक्ट्रॉन छीनेगी, अब इधर से तो छीन नहीं सकती, इधर का इलेक्ट्रॉन पकड़ के लाकर इधर रखेगी। जैसे इधर रखेगी तो इधर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा एक, इधर ये तो पहले वाले है ना, ये वाला एक नया पॉजिटिव क्रिएट हो गया और इधर लाकर रखेगी, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर से फिर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पकड़ी जा रही है, इधर पॉजिटिव आते जा रहे हैं और इधर क्या आते जा रहे हैं नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आता जा रहा है, क्योंकि बैटरी क्या कर रही है, बैटरी इस बेचारे के इलेक्ट्रॉन पकड़ पकड़ के इधर देती जा रही है। तो अब देखो डिप्लीशन रीजन यहाँ तक है, नहीं अब डिप्लीशन रीजन यहाँ तक हो गया, यानी कि बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन क्या होना शुरू होता है, इन लार्ज बड़ा होना शुरू होता है, वाइडर होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है बायसिंग इफेक्ट करती है डिप्लीशन रीजन को, फॉरवर्ड में नैरो और रिवर्स में वाइडर। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है व्हाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड्स डू नॉट इमिट लाइट। ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड्स जो कि हम आम अपने सर्किट्स में देखते हैं, ये इस तरह के डायोड, वो कहता है कि इसे आप जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इनके अंदर से लाइट रेज क्यों नहीं निकलती। उसकी वजह ये है, एक तो ये बने होते हैं आपके पास एक सिलिकॉन के, और सिलिकॉन ओपेक होता है इसलिए इधर से किसी किस्म की लाइट नहीं निकलती। दूसरा ओपेक मीन आपने देखे होंगे आपके रिमोट है ना, उसके ऊपर छोटी सी लाइट लगी होती है, ठीक है, वो डायोड ही होता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट टाइप होता है। अगर आप उसे कैमरे के सामने देखें तो आपको उसमें लाइट नज़र आएगी, वो हमारी आंख नहीं देख सकती लेकिन कैमरे की आंख देख लेती है उसे। वो आम जो डायोड होता है वो सिलिकॉन के बने होते हैं पूरे, वो सिलिकॉन ओपेक है, जैसे रेत रखी हो, अगर आप उसी लाइट के ऊपर कोई कपड़ा शपड़ा रख दें, ओपेक चीज़ रख दें जिसमें से लाइट नहीं गुजरती, आपको लाइट नज़र नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब इसके अंदर होल और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह कंबाइन होते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन होल यानी कि इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है, देन दी रेज इमिटेड, तो फिर भी रेज निकलती है, लेकिन उसने कहा सर नजर क्यों नहीं आती, इमिटेड इन इनविजिबल रीजन। अब इनविजिबल रीजन क्या है कि हमारी एक लंबा सारा ऐसे पूरा एक स्पेक्ट्रम है, एक पूरी पट्टी है जिसके अंदर सिर्फ एक इतना सा टुकड़ा है जिस टुकड़े की लाइट हमारी आंख देख सकती है, बाकी ये 6 लोगों को नहीं देख सकती। तो इसका मतलब है कि जब ये रिकॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से असरअंदाज होता है कि इन में से विजिबल के अलावा बाकी टुकड़ों की लाइट निकल रही होती है, यानी कि वो वाली जैसे कि इधर हमारे पास IR है या रेडियो वेव्स है वो निकल रही होती है, लेकिन हमारी आंख चूंकि उन्हें देख नहीं सकती तो इसलिए हमें लगता है कि इनमें से लाइट इमिट नहीं हो रही। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर था 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। व्हाई अ फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि ये जो एक फोटोडायोड है, ये जी एक डायोड है, डायोड सारे ऐसे ही होंगे जी, एक पी साइड होगी एक एन साइड होगी, ठीक है। अब इसको वो कहता है कि हम हमेशा रिवर्स बायस में क्यों लगाते हैं, रीजन बताएं कि ये हमेशा रिवर्स बायस में क्यों लगाया जाता है, फॉरवर्ड में क्यों नहीं लगाते। अब होगा क्या, ये एक फोटोडायोड है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इसके अंदर से करंट गुजरता है, इधर रीडिंग आती है। अगर इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तो इधर रीडिंग नहीं आएगी। अब सपोज कर लेंगे हमने इसे लगा दिया फॉरवर्ड में, तो अब क्या होगा, इसमें से करंट गुजरता रहेगा क्योंकि डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है, तो करंट स्मूथ हो जाता है, ये प्योर कंडक्टर की तरह हमें एक किस्म का बिहेवियर दे रहा होता है, तो करंट गुजरता रहता है हर वक्त। अब लाइट पड़ेगी तब भी करंट गुजर रहा है, फॉरवर्ड में है, और अगर लाइट नहीं भी पड़ेगी तब भी करंट गुजर रहा है, लेकिन हमें तो तब चाहिए जब हमने लाइट को डिटेक्ट करना है। इसका मतलब वो लाइट को डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। लाइट को कब डिटेक्ट कर पाएगा, जब हम इसे लगाएंगे रिवर्स में। जब रिवर्स में लगाएंगे तो आपको पता है रिवर्स बायस में करंट खत्म हो जाता है, तकरीबन I की वैल्यू कितनी हो जाती है इधर, 0, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत होती है। लेकिन जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन होल को कुछ इस तरह कंबाइन करेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करवाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन इधर से गुजरेंगे तो इधर करंट बनेगा, वो करंट इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से बने, लाइट की वजह से। इसका मतलब है ये करंट बता रहा है किस डायोड के ऊपर क्या पड़ रही है लाइट, तो इसलिए इसको हमेशा कैसे लगाते हैं, रिवर्स बायस में, इसलिए फॉरवर्ड में लगाने का कोई फायदा ही नहीं होता। टीवी रिमोट्स की एग्जांपल ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आपने टीवी के सामने नहीं लगा होता जिससे आप रिमोट दबाते हो तो वो जो लाइट है वो जाती है, तो वो उसे बताती है कि आपने करंट जनरेट करना है या नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8
वाई इज दी बेस करंट जी ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉल, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ जी, ट्रांजिस्टर मीन ये तीन डब्बे वाला आपने देखा होगा, इस तरह का कलेक्टर बेस और इमिटर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि आपके पास ये जो बेस का ये जो करंट है, ये अगर एन इसे हम कह लेते हैं पी एन पी कह लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद इसको हमने बनाना होता है रिवर्स में, नेगेटिव पॉजिटिव ओहो पॉजिटिव नेगेटिव, ये लो जी, ठीक है। अब ये बना दिया मैंने, अब वो कहता है कि ये बेस का करंट बहुत स्मॉल क्यों है, बहुत कम क्यों है, आई बी की वैल्यू तकरीबन जीरो के बहुत पास होती है, इनके बहुत कम क्यों, उसकी वजह ये है। एक तो वजह ये है कि बेस का एरिया आप देख रहे हो ये 10^-6, वेरी स्मॉल एरिया, बहुत छोटा एरिया, इसका मतलब है कि बहुत छोटा एरिया है, तो इधर आने वाला जितने भी चार्जेस होंगे वो हमेशा, सॉरी इसको हम ऐसे करते हैं कि एन पी एन कर लेते हैं, फिर समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी, वो पी से होल्स आते हैं तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, एन एन है ना, एन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब बेस की जगह छोटी है, बहुत कम चीज़ें अकोमोडेट कर, लेकिन कलेक्टर के पास बहुत बड़ा रकबा है, तो कलेक्टर कहता है जानी टेंशन ना ले, तू इधर भेज दे, मैं इधर रख लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। अब वो इधर रुक भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने नीचे जाना है पॉजिटिव की तरफ, तो जब वो आते हैं तो ज़्यादातर तो कलेक्टर पकड़ के बैठा है, क्योंकि रकबा ज़्यादा, इसका रकबा कम है, तो इधर करंट बहुत कम होता है, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़, कलेक्टर जो है उसको बहुत हैवी पोटेंशियल, इधर देखो ना सिंगल बैटरी, इधर ऐसे समझ लो डबल बैटरी, हैवी पोटेंशियल है, तो वो पहले ही ट्राई में होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जो नहीं भी आ रहे उन्हें ज़बरदस्ती खींच के अपनी तरफ कर ले, जब वो ज़्यादा इधर खींच लेता है तो इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाती है, उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को तो हम बेस करंट बोलते हैं, इसका मतलब है कि बेस करंट क्या हो जाता है सर्किट में कम, तो इसलिए यही वजह है कि जो बेस होती है ट्रांजिस्टर की उसके अंदर करंट बहुत कम होता है। लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें कहता है व्हाट इज द बायसिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ द जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन, एक्सप्लेन हाउ दीज रिक्वायरमेंट आर मेट इन कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर मैं कुछ यूं बनाना चाहूंगा, ठीक है जी, ये ले जी, ये बेस, ये इमिटर, ये कलेक्टर। अब आपने इसकी बायसिंग करनी है, बायसिंग का मतलब है कि इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करना है, तो क्या कंडीशन होती है, जो बाकियों के लिए वैसे ही है कि इसकी एक, इसमें दो जंक्शन है, एक देखो बेस इमिटर जंक्शन है और एक बेस कलेक्टर है, तो एक जंक्शन फॉरवर्ड में कर देंगे और एक जंक्शन को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अब इमिटर को क्या करना है, कॉमन, इमिटर कॉमन है, कैसे होगा कि हम इमिटर को बेस से भी कनेक्ट करेंगे और कलेक्टर से भी, तो बेस से कनेक्ट करने के लिए इधर से हम लगाएंगे, लेट्स सपोज ये एन पी एन है, ठीक है, तो ये पी है, पी के साथ हम लगा देंगे पॉजिटिव, इसके साथ लगा देंगे नेगेटिव, ठीक है जी, तो ये बेस कनेक्ट होगी, ये बैटरी वी बी बी, ठीक है। अब इधर ये आर सी रेजिस्टेंस आर बी, इधर अब ये एन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप गौर करें तो इमिटर और बेस ये दोनों जो जंक्शन है, ये बेस के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और इमिटर पे नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये हो गया जी फॉरवर्ड बायस्ड। लेकिन अगर आप इधर देखें तो एन को दे दिया पॉजिटिव और इधर एन को दे दिया नेगेटिव, तो इसके मुताबिक ये वाली जंक्शन, ये जो बैटरी वी सी सी है, इसने इसको क्या कर दिया, रिवर्स बायस। इसका मतलब है एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है और एक रिवर्स बायस, तो ये है इसकी जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है बायसिंग की। आगे है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड यानी कि वर्चुअल का मतलब होता है गैर हकीकी, गैर हकीकी ग्राउंड देखना, ग्राउंड मोस्टली हम इधर इलेक्ट्रॉनिक्स में जीरो लेवल को बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास है जी ओपी, ये ओपी इस तरह कुछ बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हम इधर कनेक्ट कर देते हैं इधर, ये आउटपुट इधर हम सिग्नल दे देते हैं, ठीक है, कुछ ये इस तरह है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या, वर्चुअल ग्राउंड क्या कहता है कि अगर इसकी एक इनपुट जीरो लेवल पर है तो दूसरी भी इनपुट कितने लेवल पर होगी, जीरो लेवल पर होगी। हमने कहा भाई वो कैसे, क्योंकि जो वी
गेन है इसका वो बराबर होता है आउटपुट ओवर, सॉरी आउटपुट ओवर इनपुट, और इनपुट क्या है वी नेगेटिव माइनस वी पॉजिटिव, ये इनपुट्स हैं दोनों, ये आउटपुट है, और आउटपुट क्या वी आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ से वी नेगेटिव माइनस वी पॉजिटिव इज इक्वल टू वी आउटपुट ओवर ओपन लूप गेन 10^5, तो इसका आंसर तकरीबन जीरो बनता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है, जब ये बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ से v नेगेटिव माइनस v पॉजिटिव तकरीबन क्या हो जाएगा जीरो, जिससे v नेगेटिव नियरली इक्वल टू क्या बनेगा v पॉजिटिव। इसका मतलब है इस इक्वेशन के मुताबिक अगर v नेगेटिव तकरीबन जीरो है तो v पॉजिटिव भी तकरीबन क्या होगा जीरो। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है जी। आगे आपके पास है जी एक और छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द इनपुट्स ऑफ गेट आर 1 एंड 0, आइडेंटिफाई दी गेट इफ द आउटपुट इज जीरो, अगर आउटपुट जीरो हो लेकिन इनपुट क्या है 1 एंड 0, ठीक है जी। ये एक छोटा सा है, इसको भी अभी साथ ही देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आउटपुट जो है वो एक्स जो है वो कितनी है, आउटपुट क्या है जीरो, ये ए पार्ट है, और इनपुट एक 1 है और एक 0 है, तो आपको पता है कि कौन सा गेट होगा, ये होगा आपके पास एंड गेट। क्यों? क्योंकि एंड गेट में अगर आपके पास दोनों इनपुट्स क्या हों ए बी, एक 0 एक 1 इंटू 0, तो ए डॉट बी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0, इसका मतलब है कौन सा गेट है एंड, ठीक है। अब इसका पार्ट बी देख लेते हैं, पार्ट बी के मुताबिक एक्स किसके बराबर होगा 1, अगर ए बी क्या हो 1 हो और बी कितना हो 0, ये होगा आपके पास और गेट, कैसे, क्योंकि और गेट कुछ यूँ है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ये नहीं आएगा ऊपर, ये तो वेक्टर बना दिया मैंने, अच्छा जी ए और बी 1 0 1, तो ये कौन सा गेट होगा आपके पास और गेट, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चन 11 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 के इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। आगे इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 में एक छोटे छोटे एमसीक्यूज़ दिए हों, वो मैं आपको रीड कर देता हूँ और साथ ही उनके निशान लिखवा देता हूँ, ठीक है जी। ले जी क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यूज़ नंबर वन में वो क्या कहता है, वो कहता है डायोड करेक्टरिस्टिक कर्व इज प्लॉटेड, डायोड की जो कर्व अब इन दोनों दो चीज़ों के दरमियान में होती है, तो अगर याद हो तो हमने इधर भी देखी थी वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज और करंट के दरमियान में होती है यूं भी और यूं भी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, तीन ऑप्शन चार ऑप्शन दिए हैं, करंट टाइम वोल्टेज टाइम करंट वोल्टेज करंट एंड फॉरवर्ड वोल्टेज एंड रिवर्स वोल्टेज, तो ऑप्शन सी वोल्टेज एंड करंट। अच्छा द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाई एलईडी का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, एलईडी का इधर आ जाएगा सी। अच्छा आगे द कलर ऑफ एलईडी इमिटेड बाई द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाई एलईडी डिपेंड्स अपॉन इट्स फॉरवर्ड बाइस, इट्स रिवर्स बाइस, द अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट या द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इसी चैप्टर के अंदर थ्योरी में लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर, टाइप मीन के वो किस तरह के मटेरियल से बने, इसका मतलब है कि इधर ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास डी ऑप्शन मीन के टाइप पर डिपेंड करेगी कि किस टाइप का आप सेमीकंडक्टर क्या कर रहे हो यूज़ कर रहे हो, जिस टाइप का यूज़ करोगे उस टाइप की लाइट इमिट होगी। इन अ हाफ वेव रिएक्टिफिकेशन दी डायोड कंडक्ट्स करंट, हाफ वेव रिएक्टिफिकेशन में डायोड कब काम करेगा, पहला दोनों साइकिल्स में, दोनों हाफ साइकिल में, ऑप्शन बी अ पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल, अ पोर्शन ऑफ द नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल और 1/2 ऑफ द इनपुट साइकिल। देखो ये डायोड है, इसको मैंने लगा दिया, अब मुझे क्या पता कि पहला पॉजिटिव इधर है या नेगेटिव इधर है, या पहला पॉजिटिव इधर है या नेगेटिव इधर, बस मुझे ये पता है कि अगर कर्व यूं आ रही है तो इसने क्या करना है, ये अगर सीधा लगा हुआ है तो ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, और अगर शायद ये उल्टा लगा हो तो शायद ये इसको ना दे, ये आई वेव तो आगे, इसका आंसर क्या ये बन रहे कि ये इसको ना दे, इसको दे, इसको दे, इसका मतलब है कि ये कन्फर्म है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं पता कब चलेगा, लेकिन ये दोनों में से किसी हाफ साइकिल को लाजमी करेगा, तो वो हाफ साइकिल का ऑप्शन कौन सा बनेगा डी, यानी कि ये हाफ वेव को तो हर हाल में क्या करेगा रिएक्टिफाई करेगा। आगे क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज़ नंबर 4, तो ये आप डायग्राम देख लें, तो इसके अंदर सीधा सीधा ऑप्शन टू और यानी कि ऑप्शन ए बनता है D2 और D4, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, द कॉमन इमिटर बेस एम्पलीफिकेशन बी इज गिवन बाय, तो बी का फार्मूला है IC/IB, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा बी, ठीक है जी। उसके बाद VI6, ठीक है जी VI6
ये था आपके पास, सॉरी ये था फाइव, फाइव का क्या बना है आपके पास बी, क्या होता है बीटा इज इक्वल टू होता है आई सी ओवर आई बी, उसके बाद वी आई दी ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिक फंक्शन। ट्रुथ टेबल क्या शो करवाता है, ट्रुथ टेबल अगर मैं बनाऊँ तो उसके अंदर देखो इनपुट्स भी हैं और आउटपुट भी है, आउटपुट कुछ भी हो सकती है और इनपुट्स की भी सारी वैल्यू आएंगी दोनों इनपुट्स की और आउटपुट की, इसका मतलब है कि कौन सा ऑप्शन बनेगा, समराइज ऑल दी आउटपुट वैल्यू, नहीं आउटपुट नहीं है इनपुट्स भी, अच्छा सब टेबुलेट्स ऑल दी इनपुट कंडीशन, इनपुट्स हैं आउटपुट भी है, इसका मतलब है कौन, ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद सी डिस्प्ले ऑल इट्स इनपुट एंड आउटपुट पॉसिबिलिटीज, इनपुट्स भी हैं आउटपुट्स भी हैं, हाँ ये बनेगा। और लास्ट नो इज नोज बेस्ड अपॉन लॉजिकल जबरा, लॉजिकल जबरा भी होते हैं, तो कौन सा बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है जी। उसके बाद वी आई आई सेवन, द आउटपुट ऑफ टू और गेट इज जीरो ओनली, जीरो और गेट की आउटपुट जीरो कब होगी, ठीक है तो ए इंटू बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका आंसर तब जीरो होगा जब दोनों जीरो होंगे, इसका मतलब है जीरो जीरो इंटू जीरो, इसका मतलब है कि बोथ इनपुट्स आर जीरो, इधर वन इनपुट इज वन, बोथ इनपुट्स आर वन, इधर इनपुट इज जीरो, क्या होगा कि दोनों जीरो, दोनों जीरो होने वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है जी। उसके बाद है एट, एट कहता है जी आर टू इनपुट्स नैंड गेट विद इनपुट्स ए एंड बी हैज एन आउटपुट ऑफ जीरो इफ, नैंड गेट है, नैंड गेट के ऊपर जीरो कब आएगा, देखो एंड गेट प्लस नॉट गेट लगाना है, अब एंड गेट के ऊपर जो आंसर आएगा वो उसको नॉट रिवर्स कर देगा, इधर अगर जीरो आएगा इसे वन कर देगा और अगर इधर वन आएगा तो इसे जीरो कर देगा, और इधर वन कब आता है जब इसके ट्रुथ टेबल के अंदर दोनों क्या हो वन हो, तो इसका जीरो आएगा, तो इसका जीरो कब वन होगा, सॉरी जब दोनों वन वन हो तो ये वन आएगा, तो वन कब होगा जब बोथ इनपुट्स आर वन, तो बोथ इनपुट्स वाला ऑप्शन कौन सा बनता है, ऑप्शन डी। उसके बाद लास्ट है दी ये ट्रुथ टेबल बनाया हुआ, तो ये सिंपल सा है एक्स और ऑप्शन ए, आई वी का क्या बनता है, इधर आई एक्स का क्या बनता है, सीधा सीधा ऑप्शन ए, तो ये सिंपल सा था, ये ट्रुथ टेबल आप पीछे से देख लेंगे, तो एक्स और एक्स नोर गेट का ये ट्रुथ टेबल है। ये थे जी आपके चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप उधर कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, थैंक यू।